योग दर्शन की 58वीं कक्षा, योग दर्शन के प्रथम पाद साधन पाद का 15वां सूत्र प्रारंभ हुआ था। संसार के दुखों में तो दुख सभी को दिखाई देता है, लेकिन संसार के सुखों में भी दुख है और सुखों में विद्यमान दुख भी कष्ट देता है, वो योगियों को देता है। और वो चार प्रकार के दुख, परिणाम ताप संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख, ये विवेकी व्यक्तियों को प्रतीत होते हैं। इसलिए दुखमेव सर्वम, उनकी दृष्टि में सब कुछ दुखी है, जो सुख है वो भी दुख रूप ही है। विष मिश्रित मिठाई भी विष ही उन्हें प्रतीत होती है। तो यहां तक का हमने कल देखा था, किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए जी। ओम। आचार्य पृष्ठ संख्या 210। पृष्ठ संख्या 2, सूत्र संख्या बोलिए। सूत्र संख्या 13। व्यास भाष्य में बोलिए, पृष्ठ संख्या 210 अंतिम में बोल दिया अंत में, पहले अनुच्छेद अंत में अनुच्छेद से पहले अनुच्छेद अंतिम अनुच्छेद से। अच्छा जी, ये जो शास्त्र का उद्धरण दे रहे हैं, वेद वे हवाई कर्मण, एक बार शब्दशः समझाएंगे? वो उसमें कुछ संदेहास्पद लग रहा है मुझे। कहाँ संदेह है वो बताइए जी। पापकस्य एको राशि पुण्यकृतो अपहंति, ये कैसे वाक्यार्थ होगा? द्वे द्वे हवई कर्मणि वेदितव्ये, दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए, ये हैं और वो हैं। और पापकस्य एकः, दो जो हैं उसमें एक तो पाप का है, ठीक है, एक एक है। और जो इसको राशि को पुण्यकृतः राशि, पुण्य से की गई जो राशि है वो पापकस्य एकः अपहंति, पाप के एक को, एक राशि को, एक कर्म को नष्ट करती है। एक को नष्ट करता है, ये किस विभक्ति से आ रहा है? विभक्ति तो यहाँ पर सीधी नहीं लगेगी, वो तो सीधी लगी रहा है कि ये नहीं ऐसे होगा, लेकिन इसके अतिरिक्त तो और कोई अर्थ यहाँ पर नहीं निकलता है। इसमें अपहंती तो है, नाशयती, नाशयंती, अपहंती मतलब नाशयती, नाशयती नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? चूंकि हम पृष्ठभूमि ये देख रहे हैं कि शुक्ल कर्मोदयात इहैव नाशः कृष्णस्य, इनका कथन था, शुक्ल कर्म से पाप कर्म का नाश हो जाता है, उसकी पुष्टि में ये वचन दे रहे हैं। अभिभक्ति तो उसके अनुसार यहाँ पर लगेगी, नष्ट करने वाला है पुण्यकृत जो राशि है, पुण्य से उत्पन्न जो राशि है वो नष्ट करने वाला है। किसको नष्ट करता है? पाप की, पाप को नष्ट करता है। पापकस्य एकः, जो एक वर्ग है, एक श्रेणी है, उसको नष्ट करता है। ठीक, ओम। और बोलिए। ओम। अच्छा जी, इसी का ही के जो शुभ कर्म है वो पाप कर्म को कैसे नष्ट करता है, तो ये सिद्धांत के पक्ष में जाएगा? कैसे तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, को केवल हम ईश्वरीय व्यवस्था ही कह सकते हैं और कुछ नहीं। कैसे नष्ट करता है, उसका अभिप्राय कि जब शुक्ल कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, शुद्ध शुक्ल कर्म, मिश्रित नहीं, विशेष प्रकार के अच्छे कर्म, वो पाप की राशि को समाप्त करते हैं, इसका मतलब है उसका फल हमें फिर नहीं मिलता, ये कर्म किए इससे वो हट जाते हैं, घट जाते हैं,
अच्छे कर्म करने से उसका पाप का जो फल मिलना था वो नहीं मिलेगा। ये विशेष प्रकार के हैं, हर कहीं नहीं जोड़ना, ये मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि हर कोई भी पुण्य हर किसी पाप को क्षीण कर देगा, ये नियम नहीं है। सामान्य सामान्य नियम तो यही है, पाप का फल पाप भोगना होता है, पुण्य का पुण्य भोगना होता है। लेकिन ये जो शुक्ल कर्म है, तप स्वाध्याय ध्यान वताम, जो साधक लोग हैं उनका जो पुण्य कर्माशय बनता है उसके विषय में, उसकी तरफ ही ये संकेत किया जा रहा है। तो मैं तो इसकी संगति इस रूप में लगाता हूं, यद्यपि यहां कर्म का लिखा हुआ है कर्माशय का, लेकिन जो शुद्ध शुक्ल कर्म होते हैं जिनसे कि संस्कार बहुत शुद्ध बनते हैं, और वो जो शुक्ल कर्म कर पाता है व्यक्ति वो बहुत विवेक पूर्वक ही कर पाता है, संस्कार बहुत शुद्ध होते हैं, और उन संस्कारों के शुद्ध होने से विपरीत संस्कार नष्ट हो जाते हैं, भिन्न संस्कार, और उन भिन्न संस्कारों के विपरीत संस्कारों के नष्ट होने से उनसे संबंधित जो कर्म है वो फल नहीं दे पाते हैं, इस रूप में वो उसको नष्ट करता होगा। ठीक है। और अजय जी, 13वें सूत्र के दूसरे अनुच्छेद की जी, इसमें एक जो प्रथम हमने विकल्प दिया था उसमें उसका खंडन इस बात से किया गया कि काल क्रम का अनियम होने से लोगों में अविश्वास हो जाएगा। तो क्या इसमें था एक कर्म से एक जन्म, तो क्या इससे ये अर्थापत्ति निकलती है कि अनेक जन्म अनेक कर्मों से जब एक जन्म हो रहा है तो वहां पे काल का नियम रहेगा? रहेगा, उसमें अविश्वास नहीं आएगा, उसमें अविश्वास नहीं आएगा। यूं समझिए सामान्य भाषा में बिल्कुल, कि किसी व्यक्ति को वेतन मिलता है तो एक दिन में उसने जितना काम किया उन कार्यों में से केवल थोड़े से कार्य का उसको वेतन मिला, बाकी का नहीं मिला उस दिन, और ऐसा ही प्रतिदिन होता रहेगा। वो जितना करेगा उसमें से थोड़े से का वेतन मिलेगा, बाकी का वेतन नहीं मिलेगा। कोई करेगा, विश्वास होगा उसको? बोले जब पहले दिन का ही नहीं मिला, दूसरे का भी नहीं मिला, और हमेशा यही होने वाला है तो मेरे को तो फल ही नहीं मिल पाएगा, अविश्वास होगा ना उसको? हाँ, यदि हमने कई दिनों का कर्म किया और उसका फल मिला करके फिर हमें मिल जाता है तब तो हमें लगता है कि हाँ पूरा हो सकता है, ये पूरे कर्मों का फल हमें मिल सकता है, संभव है, नहीं तो नहीं होगा। और अच्छा जी, सूत्र संख्या 13, सूत्र संख्या 13, हाँ, इसमें जो जाति आयु और भोग ये तीनों त्रिविपाक कर्म मिलते हैं बताए हैं, हाँ, तो इसमें आयु जो मिलता है हाँ, वो सामान्य रूप से जैसे मनुष्य जन्म का 100 साल कहा जाता है तो उस दृष्टि से सामान्य रूप से जितना उतना मिलता है या हमारे कर्मों के अनुसार कम या ज्यादा भी मिल जाता है? कर्मों के अनुसार मिलेगा, पिछले कर्माशय के अनुसार जाति आयु भोग मिलते हैं तो उसमें आयु भी पिछले कर्म के अनुसार निर्धारित है। आपका प्रश्न है कि मनुष्य की आयु औसतन से या सामान्य, आज का तो औसत नहीं लेकिन फिर भी 100 वर्ष की मान के चलते हैं, तो वो 100 वर्ष की आयु सब मनुष्यों को मिलेगी ऐसा नहीं है। कर्म के अनुसार ऐसे ऐसे शरीर मिलते हैं कि जो कोई 100 वर्ष जी नहीं सकता है वो कम ही जिएगा, वर्तमान का विशेष पुरुषार्थ है तो जैसे तैसे जा सकता है, तो सबको समान आयु मिलेगी, मनुष्य शरीर मिला है इसलिए सबको पिछले कर्म के अनुसार समान ही आयु होगी ऐसा नहीं है, उसमें भी भिन्नता रहेगी। कर्मों के अनुसार उस तरह का शरीर प्राप्त होगा जो एक निश्चित समय तक चल सकता है, पर उसके अलावा वर्तमान का पुरुषार्थ भी उसको न्यूनाधिक कर ही सकता है। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं। पंद्रहवां सूत्र, सूत्र तो हमने देख लिया था, इसका भाष्य अब देखेंगे। इन्होंने बताया था परिणाम ताप संस्कार और ये तीन दुख होते हैं, विशेष सुख काल में होते हैं,
परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध। और जिस व्यक्ति को संसार के सुखों में भी दुख दिखाई देने लग गया तो वो फिर वैराग्य की स्थिति में चला जाएगा। संसार में सामान्य व्यक्ति को दुखों में दुख दिखता है लेकिन साथ में सुख भी दिखाई देता है, इसलिए वो संसार से हट नहीं पाता है। सुख उसको आकर्षित करता है, वो सुखों के भोग में लगा रहता है, भले ही साथ साथ में दुख भी आ रहा हो। लेकिन जब विवेकी को सुख में भी दुख ही दिखाई दे रहा है, सुख में भी हानि दिखाई दे रही है, दुख तो दुख है ही, तब उसके पास कौन सा आधार बचता है कि उनकी तरफ, विषयों की तरफ वो आकर्षित रहे, उसी में लगा रहे? कुछ भी नहीं, आकर्षण समाप्त हो गया उसका, ये वैराग्य की स्थिति बनेगी, वो उनसे हट जाएगा। ये दुख देखने पर वैराग्य होगा, ये एक विवेक है, एक प्रकार का सत्य ज्ञान है और उसके कारण वो उससे हट जाता है। तो इसकी व्याख्या इन्होंने की है, ये दुख कैसे कैसे होते हैं इस संदर्भ में। भाष्य देखिए, सर्वस्यायम रागानुविद्ध चेतन अचेतना साधनाधीन सुखानुभव इति तत्रास्ति रागजह कर्माशय। सर्वस्य सबका, सभी मनुष्यों पर लागू होगा ये। रागानुविद्ध, राग से बिंधा हुआ, क्या? चेतन अचेतन साधनाधीन सुखानुभव, जो सुख का अनुभव है, सुख की अनुभूति है, वो सुख की अनुभूति चाहे चेतनों पर आश्रित हो चाहे अचेतनों पर आश्रित हो। चेतन यानी तो अन्य मनुष्य हैं, अन्य पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं, ये जो चेतन वर्ग है इनसे भी हमें सुख मिलता है। तो चेतन पर आधारित सुख की अनुभूति हो या जड़ वस्तुओं से, जैसे कि पानी है, सर्दी में धूप है या अग्नि है, गर्मी में ठंडक है, अन्य जो भी वस्तुएं, मकान है, गाड़ियां हैं, ये जो अचेतन वस्तुएं हैं, वस्त्र है, तो उनसे भी हमें सुख प्राप्त होता है। तो चेतन और अचेतन यानी कोई भी, इनके आश्रित जो सुखानुभव होता है वो रागानुविद्ध होता है, राग से बिंधा हुआ होता है, उसमें राग बना हुआ होता है। सुखानुभव से मतलब है कि व्यक्ति इंद्रियों का सुख लेता है वहां पर, चेतन और अचेतन पर आश्रित होकर के, उसका लक्ष्य भी बना हुआ रहता है, मेरे को ये सुख प्राप्त हो। सुख के लिए वो उन वस्तुओं को प्राप्त करता है, उनको भोगता है। तो जिस समय ये सुख का अनुभव करेगा तो राग तो वहां पर रहेगा ही, राग से बिंद करके ही वो सुख का अनुभव कर पाता है। तो सर्वस्यायम रागानुविद्ध चेतन अचेतन साधनाधीन सुखानुभव, चूंकि राग वहां बिंधा हुआ है इसलिए इति तत्रास्ति रागजह कर्माशय, राग से उत्पन्न होने वाला कर्माशय भी वहां पर रहेगा। राग चूंकि बिंधा हुआ है इसलिए राग से उत्पन्न होने वाला कर्माशय वहां पर रहेगा। अब ये जो वाक्य है यहां पर, रागजह कर्माशय, तो कर्माशय तो कर्म से बनता है सामान्य रूप से, हम जो क्रिया करते हैं, और कर्माशय भी तब बनता है, ये स्वयं भी आगे कहेंगे, दूसरे का अनुग्रह करते हैं या परपीड़न करते हैं उससे हमारा पाप पुण्य कर्माशय बनता है, न्याय अन्याय करते हैं तो पाप पुण्य कर्माशय बनता है। तो रागज कर्माशय है, इसका मतलब ये कि चूंकि राग हमारे पास जुड़ा हुआ है तो राग का संस्कार हमारे ऊपर पड़ेगा। कर्माशय एक अलग चीज है, धर्माधर्म रूप संस्कार, और राग से होने वाला आशय संस्कार वो पड़ेगा, इतने में भी कोई बात नहीं है। लेकिन यहां रागजह कर्माशय शब्द का प्रयोग किया है, राग से संस्कार तो बनता हुआ समझ में आता है, राग से कर्माशय तो नहीं बनता, कर्माशय कर्म से बनता है। लेकिन यहां जो रागजह कर्माशय कहा गया, इसका तात्पर्य यूं लेंगे कि जब हम इन सुखों को लेते हैं और राग से बिंधे हुए होते हैं तो कुछ ना कुछ कर्म तो करेंगे, और कर्म करेंगे तो उसमें पाप पुण्य भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब इससे जो कर्माशय बनेगा वो रागज कर्माशय कहलाएगा। कर्माशय तो कर्म से ही बना है, लेकिन उस कर्म के पीछे राग विद्यमान था इसलिए इसको रागज कर्माशय कह दिया गया।
तो चेतन अचेतन वस्तुओं के अधीन जो भी हम सुख का अनुभव करेंगे, तो एक अर्थ तो रागज कर्माशय का राग से उत्पन्न होने वाला संस्कार पड़ेगा, इतना ले लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्माशय शब्द में कर्म के कारण से दिक्कत है, तो दूसरा तात्पर्य कैसे लेंगे, राग जन्य जो कर्म किए जा रहे हैं उनसे फिर कर्माशय बनेगा, वो रागज कर्माशय हो गया। अब ये जो रागज कर्माशय है ये विवेकी को कष्ट देता है कि ये मैं संसार के चेतन अचेतन वस्तुओं के अधीन सुख का अनुभव करूंगा तो मेरा रागज कर्माशय बन जाएगा। अब उसको रागज कर्माशय विपरीत दिखाई दे रहा है। अब कोई व्यक्ति मिट्टी में लौट रहा है, अब मिट्टी में लौटने का भी आनंद होता है, होता है, गधे और घोड़े लौटते हैं, लौटते हैं ना, वो करवट लेटते हैं, बड़े आनंद को अनुभव करते हैं वो, ठीक है। और हम भी बच्चे भी कभी लेते हैं आनंद मिट्टी में लोटपोट होने का, कभी इच्छा करती है, हाथी भी कीचड़ अपने ऊपर डालता है। अब हमने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, साफ सुथरे, और कहीं जाना है हमारे को विशेष अवसर पर, तो मिट्टी का आनंद तो आनंद है लेकिन उसके साथ वो कष्ट भी दिखाई दे रहा है कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अब कपड़े खराब हो गए तो वो जाएगा उसमें मिट्टी में लुटपुट करेगा, नहीं करेगा ना, ऐसा ही उसको दिखाई देता है। ये संसार का सुख जो है चेतन अचेतन वस्तुओं पर आधारित, ये सुख तो है अपनी जगह, उस सुख का निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन इस सुख से रागज कर्माशय बन रहा है ये कष्ट दे रहा है उसको। जो सामान्य व्यक्ति है उसको कोई कष्ट नहीं हो रहा है इससे, संसार का सुख भोगे जा रहा है, भोगे जा रहा है, रागज कर्माशय बन रहा है तो बन रहा है, उसको क्या अंतर है। बल्कि उनको तो ये तब चिंता हो जाती है जब संसार के विषयों में सुख की इच्छा ना करें, तो लगता है कि कोई रोग हो गया, उल्टा होता है उनको। किसी को अपने बच्चों से राग है तो कहते हैं बहुत इसको बच्चों से राग है, उसको प्रशंसा के रूप में कहा जाता है, वो भी सोचते हैं कि हाँ बच्चों से बहुत प्रेम है, बहुत राग है, वो दोष मानते ही नहीं है उसको, उसको तो अच्छा मानते हैं। लेकिन इसको रागज कर्माशय दिखाई दे रहा है, ये विपरीत चीज दिखाई दे रही है। और देखिए आगे, तथा च द्वेष्टि दुख साधनानी मुह्यति च इति। और जो दुख के साधन है, अभी पीछे तो सुख के साधन का कहा, जो दुख के साधन है जिनके कारण से हमें दुख आता है उनके प्रति द्वेष्टि द्वेष करता है, अप्रीति करता है, उनको हटाना चाहता है, ये द्वेष का भाव रहता है उनके प्रति, मन में उद्वेग होता है। और मुह्यति च, और मोह को भी प्राप्त होता है, अज्ञानता से युक्त होकर के भी संसार के संसार में रमण करता है। तो तथा च द्वेष्टि दुख साधनानि और मुह्यति च, और मोह को भी प्राप्त करता है। इसलिए द्वेष मोह कृतो अपि कर्माशय, द्वेष मोह कृतो अपि अस्ति कर्माशय, उसका द्वेष जन्य कर्माशय भी मिलेगा और मोह जन्य कर्माशय भी मिलेगा। आगे आएगा वितर्कों में, लोभ क्रोध मोह पूर्वक कर्माशय बनता है। लोभ पूर्वक जो कर्माशय बनेगा वो तो रागात्मक हो गया, क्रोध पूर्वक जो कर्माशय बनता है वो द्वेष हो गया, और मोह तो मोह है ही, यहां पर अज्ञानता से भी जो कर्म किए जाते हैं उससे भी कर्माशय बनता है। तो ये कर्माशय तो बना उसका, लेकिन कर्माशय कैसा हो गया, क्लेश मूलक हो गया। ये चीजें जो बताई जा रही हैं, द्वेषज कर्माशय, रागज कर्माशय, मोहज कर्माशय, ये जो राग द्वेष मोह है ये इसको कष्ट दे रहे हैं कि क्लेश आ गया है। तो क्लेश मूल कर्माशय, कर्माशय बन रहा है क्लेश मूल में, इसको वो क्लेश दिखाई दे रहे हैं और ये मेरे को कष्ट देंगे, ये मैं अपने ऊपर गंदगी लगा रहा हूं और फिर इसको साफ करना पड़ेगा। इसको पता है कि मुझे एकदम साफ कपड़े पहनने, वो अपने पर गंदगी थोड़ा ना लगाएगा, तो एकदम बचना चाहेगा, दूर हटेगा उससे। तो ये तीन तरह के कर्माशय बताए। तथा च उक्तम, और बोले एक बात और कही, ये जो अभी यहां बता रहे हैं ये भूमिका के रूप में बता रहे हैं, अभी परिणाम ताप संस्कार दुख के बारे में सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं, अभी एक भूमिका चल रही है, कर्म और सुख और दुख भोग और इस सब के संबंध में कुछ भूमिका चल रही है।
तथा च उक्तम एक वचन भी आता है, नानुपहत्य भूतानी उपभोगा संभवती इति हिंसा कृतो अपि अस्ति शारीर कर्माशय। भूतानी अनुपहत्य न उपभोगः संभवति, प्राणियों को मारे बिना कोई भोग संभव नहीं है। प्राणियों को मारे बिना, कष्ट दिए बिना कोई भी भोग संभव नहीं है। एक वचन दिया, हम जो जो उपभोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्राणियों की हिंसा, कष्ट, पीड़ा विद्यमान है। न अनुपहत्य भूतानि उपभोग संभवती, उपभोग संभव ही नहीं है। हम जो भी करते हैं कहीं ना कहीं किसी प्राणी को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम पीड़ा देते हैं। हमारे ये वस्त्र बन करके आए हुए हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं प्राणियों को पीड़ा हुई है। जो भोजन हमारे सामने आता है वो बन करके आया, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हुआ आया, उसमें भी कुछ न कुछ पीड़ा हुई है, अन्यायपूर्वक भी। जिससे हम बच नहीं सकते उसको एक बार अलग भी कर दें तो भी, क्योंकि इतने व्यक्तियों का हाथ रहता है और हम भी करते रहते हैं तो प्राणियों की हिंसा तो वहां पर होती रहती है। इसलिए हिंसा कृतोपि अस्ति शारीर कर्माशय, हिंसा जन्य कर्माशय भी है। कैसा कर्माशय? शारीर कर्माशय, शरीर से होने वाला, क्योंकि शरीर से भी हम ऐसा करते हैं। पीछे जो इन्होंने बताया था, रागज कर्माशय, द्वेषज कर्माशय, मोहज कर्माशय, राग द्वेष मोह मानसिक स्थिति के थे। कर्माशय तो कर्म करने से बना है, लेकिन अंदर ये स्थिति थी, अंदर मानसिक रूप से वो राग द्वेष मोह वाली थी। और ये शारीर कर्माशय है कि जो खुद शरीर से हो ही जाता है, बाह्य रूप से हो जाता है, तो ये शारीर कर्माशय। और फिर एक वचन और कह रहे हैं कि विषय सुखम च अविद्या इत्युक्तम, जो विषयों का सुख है ये अविद्या है। अविद्या मतलब मिथ्या ज्ञान है। जितना भी विषय सुख है वो क्या है? अविद्या। विषय सुखम च अविद्या इति, ये तो मूर्खता है, अविद्या है। ये बड़ी विचित्र बात लगेगी, अविद्या कैसे है? अविद्या क्यों है? क्योंकि जो चीज जैसी है वैसा हम जान रहे हैं, संसार में सुख है तो सुख को जान रहे हैं, इसमें अविद्या क्या हुई? अविद्या क्यों हुई? तो हम उसको शुद्ध सुख की तरह ले रहे होते हैं, उसमें दुख मिश्रित है वो हमें पता नहीं लगता, इसलिए वो अविद्या है। उसमें जो हानियां हैं वो हमें पता नहीं लग रही होती, दिख नहीं रही होती, ये इसमें अविद्या है। जितना सुख है वो तो है अपनी जगह पे, उसका कोई निषेध नहीं कर रहा है। तो विषय सुखम च अविद्या इति, यहां तक की ये भूमिका बनाई। और अब ये परिणाम दुख की तरफ हमें ले चलते हैं। अब भी कुछ और बातें कह रहे हैं, अंत में जाकर के परिणाम दुख पर पहुंचाएंगे। आगे कहा, या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्ते है उपशांति ही तत्सुखम। पीछे जो इन्होंने कहा था सुख का जो अनुभव है वो रागानुविद्ध है, राग से विद्ध है। तो सुख क्या है? सुख की अलग अलग परिभाषाएं की जाती है। एक है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो हमें अनुकूलता प्रतीत होती है वो सुख प्रतीत होता है। हमारी इंद्रियां स्वस्थ हों, सारे छिद्र हमारे ठीक हों, आकाश जो है, इंद्रियां नलियां हमारे शरीर की जितनी भी है, नस नाड़ियां अंदर, रक्त वाहिनियां और सब कुछ वो अच्छा हो तो सुख होता है, स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्ति रहता है, वो भी एक परिभाषा है। यहां इन्होंने एक दूसरे ढंग से बात कही, जिस प्रसंग में ये कहना चाह रहे हैं कि भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्ते है उपशांति, भोगों में इंद्रियों की तृप्ति से एक शांति आती है, उपशांति होती है, शमन होता है। भोग से पहले जो उद्विग्नता होती है मन में, कह लीजिए इंद्रियों में कह लीजिए, भोग से पहले जो एक चंचलता होती है, उद्विग्नता होती है कि मुझे मिल जाए इसको मैं भोगूं, और भोगने के बाद में जो इंद्रियों की शांति होती है, शमन हो जाता है, उत्तेजना समाप्त हो जाती है, बोले उसे सुख कहते हैं। या भोगेशु इंद्रियाणाम तृप्ते है उपशांति तत्सुखम, इंद्रियों की तृप्ति हो जाती है भोग से, उतने उतने समय के लिए, थोड़ी देर के लिए तो हो ही जाती है, थोड़ी देर के लिए फिर इच्छा नहीं होती है, फिर कुछ समय बाद में, कुछ दिनों के बाद में फिर इच्छा कर सकती है, वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो शांति होती है। तो इंद्रियों की शांति का होना ये एक सुख है। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी भी विषय से संबंधित हो, ये जो शांति है वो तो है सुख। और या लौल्याद अनुपशांति तद दुखम,
और जो लौल्य के कारण, लोलुपता के कारण से बहुत लालसा बनी हुई है कि ये और मिल जाए, ये और मिल जाए, इसके कारण से जो इंद्रियों की अशांति है, अनुपशांति है, वो शांत नहीं हो पा रही है, बस ये दुख है। अब सामान्य भोजन है, जो उसको इच्छा थी उसने भोजन पाया, उस सुख मिला, तृप्ति हो गई, शांति हो गई, सुख की अनुभूति हो गई। लेकिन अगर किसी के अंदर विशेष लौल्य है, विशेष लालसा बनी हुई है कि अभी तो ये और होना चाहिए, अभी तो ये चटनी और होनी चाहिए, अभी तो ये मिठाई और होनी चाहिए, अभी तो ये चीज और होनी चाहिए, और वो मिली नहीं, तो तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति नहीं हुई, वो कमी रह गई, ये और होना चाहिए, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं हुआ, अब यही उसके दुख का कारण बन जाएगा। ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो मकान ऐसा नहीं हुआ, ये तो कपड़े ऐसे नहीं हुए, ये तो गाड़ी ऐसी नहीं हुई, ये तो पत्नी ऐसी नहीं हुई, ये तो पति ऐसा नहीं हुआ, ये तो बच्चे ऐसे नहीं हुए, इत्यादि जो अनुपशांति होती है इंद्रियों की, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, तो ये दुख हो जाता है। इसको दूसरे ढंग से कहें तो कहते हैं इच्छा की पूर्ति का सुख, कामना की पूर्ति का सुख, काम सुख कहते हैं इसको। काम सुख मतलब सभी कामनाओं का सुख, केवल एक ही नहीं, सभी तरह का जो सुख है वो काम सुख कहलाएगा। जो हमारा काम्य विषय है उसकी प्राप्ति जन्य एक सुख होता है, जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता होती है, वो मिल जाता है, तो उसकी प्राप्ति से एक सुख होता है और एक शांति आ जाती है, चलो हो गया ये, और वो नहीं मिलता है तो कष्ट होता रहता है। तो ऐसे ही बाकी विषयों के अंदर भी है, धन चाहिए नहीं मिल रहा है, दुख होगा, जितना धन चाहिए वो मिल गया तो सुख आ जाएगा। अब किसी को 100 रुपए चाहिए, 100 की उसने कामना की, 100 मिल गए तो वो 100 में बहुत खुश है, किसी को 1 लाख चाहिए थे और 100 ही मिले हैं, तो वही 100 का मिलना उसको सुख नहीं देगा, दुख दे देगा, दुखी देता रहेगा, क्योंकि उसको 100 नहीं, उसको 1 लाख चाहिए थे, उसको 1000 चाहिए थे, जो वो चाहता है वो नहीं मिला, कामना की पूर्ति नहीं हुई, ये दुख है, इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। तो जो चाहता है वो मिल गया तो सुख की प्रतीति होती है, जो चाहता है वो नहीं मिला तो दुख की प्रतीति होती है। सुख और दुख का एक अलग तरीके से लक्षण किया है यहां पर। आगे न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम। अब वो विवेकी की दृष्टि से बात को रख रहे हैं कि इंद्रियों के भोगाभ्यास से, इंद्रियों के भोगाभ्यास से कि इंद्रियों का भोग हम करते जाएं और करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, इस अभ्यास से, बार बार करने से वैतृष्ण्यम कर्तुम न शक्यम, ये इंद्रियों में वितृष्णा नहीं आ सकती कभी भी, कि तृप्त तो हो जाएं। पीछे इन्होंने परिभाषा क्या की सुख की, कि इंद्रियां जब तृप्त तो हो जाती हैं तो हमें सुख की प्रतीति होती है। तो ठीक है, एक बार भोग लिया सुख की प्रतीति हो गई, क्या इंद्रियों की वो उपशांति हमेशा के लिए हो गई? एक बार देख लिया, एक बार चख लिया, एक बार छू लिया, एक बार विषयों का सेवन कर लिया, ये जो भी विषय जिसको प्रिय है, एक बार सूंघ लिया, क्या एक बार में तृप्ति हो जाती है? सुख क्या है? इंद्रियों की उपशांति, तृप्ति हो जाना, ये तो है सुख। अब थोड़ी देर के लिए तो तृप्ति हो गई, लेकिन फिर कुछ समय बाद में फिर इच्छा होगी और फिर वो का वही कष्ट, फिर भोगेगा, फिर इच्छा होगी, फिर वही कष्ट, रुकने वाला तो है नहीं। तो इंद्रियों की उपशांति सुख है, और इंद्रियों के भोगाभ्यास से इंद्रियां तृप्त उपशांत नहीं हो सकती, इसलिए ये दुख दिखाई दे रहा है उसको। न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यासेन वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम, इंद्रियां तृप्त हो जाएं हमेशा के लिए, ऐसा भोगाभ्यास से तो कभी नहीं हो सकता, कितना ही भोग लो भोगाभ्यास से कभी भी तृप्ति नहीं होगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, मन में इच्छा बनी रहेगी, सामर्थ्य आएगा फिर वो भोगना चाहेगा, चलता ही रहेगा ये। तो इंद्रियों की ये तृष्णा का समाप्त होना, ये तो है सुख, और जो विषयों में सुख प्रतीत होता है वो तात्कालिक वितृष्णा ही है,
इंद्रियों के सुखों के प्रति, थोड़ी देर के लिए वहां पर वितृष्णा होती है, उस वितृष्णा का सुख है ये, और लेकिन बाद बाद में फिर आता है। तो इसको समझ में क्या आ गया कि न च इंद्रियाणाम भोगाभ्यास है ना वैतृष्ण्यम कर्तुम शक्यम, वितृष्णा हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? अब कई लोग अनुभव करते हैं, जिंदगी में खूब खा लिया पी लिया, खूब घूम लिया, खूब देख लिया, अब कोई इच्छा नहीं है, खाने पीने की इच्छा नहीं है, जो मिल जाता है खा लेते हैं, ठीक है, अब कोई घूमने फिरने की इच्छा नहीं है, सब दुनिया के सारे विषय सुख भोग के देख लिए और अब कुछ भी इच्छा नहीं है। एक स्थिति ऐसी कई जने प्रस्तुत करते हैं, प्रतीति भी होती है बड़ी अवस्था में वृद्धों को, करोड़ों को, जिनके जीवन में संपन्नता रही और जो वो सुख चाहते थे वो उसने उनको मिलता रहा, भोगते रहे, तो ये स्थिति बनती है, बन सकती है। लेकिन ये बहुत कुछ हमारी अवस्था के कारण से भी होती है, दुर्बलता के कारण से भी होती है, समाज की स्थितियां ऐसी होती हैं, हमारे को वो शोभा नहीं देता है उस तरह का कार्य, सामर्थ्य भी नहीं रहती है, और एक तरह से देख भी लिया है इसलिए कुछ वो शांति होती है, लेकिन अगर सामर्थ्य बढ़े तो व्यक्ति फिर वहां पर प्रवृत्त हो जाता है, और बल्कि वृद्धावस्था में खाने पीने के प्रति और अधिक लालसा हो जाती है, बच्चों की तरह से हो जाता है, तृप्त नहीं हो जाता है, बढ़ सकता है फिर भी। और तो भोगाभ्यास से तो वितृष्णा की नहीं जा सकती, क्यों नहीं हो सकती उसके पीछे कारण बता रहे हैं, तस्मात यह तो क्योंकि भोगाभ्यास मनु विवर्धनते रागाह, भोगाभ्यास के साथ साथ उसके पीछे पीछे उस वस्तु के प्रति राग बढ़ता जाएगा, जितना जितना किसी विषय को भोगेंगे उसके प्रति और राग बढ़ेगा, और राग बढ़ेगा, उसको और पाना चाहेगा, उसको और अच्छा पाना चाहेगा। तो भोगाभ्यास मनो विवर्धनते रागाह, एक तो राग बढ़ता जाएगा, इस संस्कार पड़ता जाएगा। अब जब राग बढ़ गया है, वो संस्कार पड़ गया है, तो राग क्या करेगा? फिर वृत्ति उठाएगा। वो तो एक बार किसी ने चोरी की और कुछ रुपए उसको मिल गए, कुछ हेराफेरी की, कागजों में हेराफेरी की, कम तोला, मिलावट की और उसको कुछ लाभ मिल गया, वो फिर करेगा दोबारा तिबारा, फिर करेगा, करता ही चला जाएगा, वो रोक नहीं सकता है, विशेष प्रयास करेगा तो रुकेगा, दंड व्यवस्था होगी तो वो रुक सकता है, नहीं तो रुकेगा नहीं, वो बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि जब इन सब को कर रहा है, वो सुख प्राप्त कर रहा है इनसे, तो राग तो बनता जा रहा है, संस्कार तो बनता जा रहा है, और वो संस्कार जितना प्रबल होगा वो बार बार उधर प्रवृत्त करेगा उसको। इसलिए इंद्रियों के भोगों को भोगने से वितृष्णा तो हो नहीं सकती, बल्कि उसमें और अधिक अधिक इच्छा करती चली जाएगी, जिसके लिए मनुस्मृतिकार ने भी कहा कि अग्नि में अगर घी डालेंगे तो वो और बढ़ने के लिए होगा, विषयों के सेवन से और कामना बढ़ती जाती है, जैसे अग्नि में हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा वर्तते न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति, कामनाओं के उपभोग से उसकी शांति कभी भी नहीं होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और रुपए और रुपए और रुपए और बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी और यश और यश और ऊंचा पद चलता चला जाएगा। वो चूंकि राग पड़ता जा रहा है, राग बढ़ता जा रहा है, और वो राग छोड़ेगा नहीं, संस्कार छोड़ेगा नहीं, पूर्व प्रवृत्ति होगी, वो और चोरी करेगा, और बड़ी चोरी करेगा, और बड़ी हेराफेरी करेगा। तो ये तो भोगाभ्यास मनो विवर्धनते रागः, एक बात। दूसरी बात और इससे जुड़ी हुई है कि कौशलानि च इंद्रियाणाम इति, इंद्रियों की कुशलताएं बढ़ जाती हैं, विषयों का भोग करने से इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाती है। अब ये समझने की बात है कि कुशलता कैसे बढ़ जाती है इंद्रियों की। सामान्य रूप से तो हम क्या समझते हैं कि विषयों का अधिक सेवन करने से इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, शरीर दुर्बल हो जाएगा, रोग आ जाएगा, यही तो समझते हैं हम। कुशल थोड़ा ना हो जाती है, कुशल का मतलब तो अच्छे अर्थ में है। तो विषयों का भोग करने से तो क्षीणता आएगी, कुशलता कहां से बढ़ेगी। लेकिन यहां जो कहा जा रहा है कि विषयों का बार बार सेवन करने से, अभ्यास करने से इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाती है। वो कुशलता किस रूप में है कि पहले वो इंद्रियां जितने विषय से तृप्त हो जाती थी, उपशांत हो जाती थी, अब उतने से नहीं होंगी वो, अब उनको और अधिक अच्छा चाहिए,
ज्यादा मात्रा में चाहिए, बार बार चाहिए, तृप्त नहीं होने वाली है वो। जैसे कि कोई शराब पिए और शराब पी करके उसको एक निश्चित मात्रा का नशा चाहिए और उसमें उसको अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा पिया और उसको नशा आ गया, अब उसको उसने उसको आनंद भी लिया, उसको अच्छा भी लग रहा है, अब फिर वो दोबारा पिएगा, अब दोबारा वो उतना ही पिएगा या ज्यादा पिएगा, और ज्यादा पिएगा थोड़ा सा, फिर और ज्यादा पिएगा, पहले महीने में एक बार पीता था, महीने में दो बार पीने लगेगा, फिर रोज रोज पीने लगेगा, और दिन में एक बार पीता था और दिन में कई कई बार पीने लगेगा, दिन भर धुत रहेगा। वहां तक स्थिति क्यों पहुंच गया वो, वहां पर इंद्रियों की कुशलता बढ़ जाती है, वो तृप्त नहीं हो पाती उतने से जितने से पहले तृप्त होती थी। यदि लौल्य है तो वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा भोजन है उसमें हमने सुख लिया, अगर सुख लेता जा रहा है, नियंत्रण नहीं है तब ये बनता है, और वो सुखी लक्ष्य बना हुआ है तो भोजन और अच्छा हो उसके लिए कुछ चीजें और जोड़ लेगा, फिर कुछ और चीजें जोड़ लेगा, तो वो थाली उसकी बड़ी बनती जाएगी, बड़े बड़ी अधिक सब्जियां, अधिक दालें, अधिक मिठाइयां, अधिक चटनियां, तरह तरह की रोटियां, तरह तरह के चावल, तरह तरह के पापड़, कुछ पेय पदार्थ, 56 भोग हो जाएंगे, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब खाना जितना भी है लेकिन उसकी कभी ये कभी वो, कभी इस दुकान का कभी उस दुकान का, कभी वहां का कभी उस शहर का, मिठाइयां भी शहर की अलग अलग होती है, कचौरी समोसे भी बोले उस दुकान के अच्छे, उस शहर के अच्छे, उस वो जरूर लेगा, वहां जाएगा तो उस शहर में जाएगा तो जरूर लेगा, जोधपुर की ये प्रसिद्ध है तो जोधपुर में जाएगा तो वो जरूर लेगा, है मावा, मावे की कचौरी, हाँ जोधपुर की मावे की कचौरी, मीठी कचौरी होती है वो, जोधपुर की प्याज की कचौरी भी प्रसिद्ध है, वो भी एक अलग है, लेकिन वो मीठी कचौरी एक अलग, वो तो मिठाई की तरह से है। तो ये उसकी कुशलता बढ़ती जाएगी, वो बार बार करेगा, ज्यादा पैसे खर्च करके भी लेगा तो मात्रा बढ़ाएगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ाएगा, और ज्यादा ज्यादा करता जाएगा। ये है इंद्रियों की कुशलता का बढ़ना, वो कम में तृप्त नहीं होंगी। तो जैसे जैसे भोगाभ्यास करेंगे, एक तो राग बढ़ेगा और दूसरा इंद्रियों की कुशलता होगी, वो थोड़े से में तृप्त नहीं होगी। वो कहते हैं कि शेर को मनुष्य के खून का स्वाद लग जाता है, खून जीभ पे खून का स्वाद लग जाता है तो वो छूटता नहीं है उसका, फिर बार बार मनुष्य को खाता है, मनुष्य का खून ज्यादा स्वादिष्ट लगता होगा उसको, क्योंकि मनुष्य ज्यादा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, जो भी कारण हो, लेकिन कहते हैं आदमखोर हो जाता है वो फिर मनुष्य का ही खाना चाहता है, और जानवरों की जगह मनुष्य के पीछे पड़ जाता है वो, एक बार जीभ पे लग जाता है ना, वो छूटता नहीं, कुछ ऐसी स्थिति। तो ये तो भोगाभ्यास मनोविवर्धनते रागा कौशलानी च इंद्रियाणाम इति। अब किसी को एक गाना अच्छा लगता है सुनता है तो फिर एक गाने से बात नहीं बनती, तो गाने और सुनता रहता है, और फिर है तो पूरे दिन भर ही चलता रहता है उसका, सुबह उठा और उठते ही वो चालू चलता ही रहता है रात भर, और आत प्रसारण भी होता रहता है और वो भी सुनता रहता है, टेप रिकॉर्डर है और है जैसे भी है, वही वही करता जाएगा बढ़ता जाएगा, और तृप्ति नहीं हो रहा है, कारण ये तृप्ति नहीं आ रही है, एक सीमा पे जाके रुकेगा, अभी सुनते सुनते सिर में दर्द हो गया उसको, ये मजबूरी में कोई कार्य करना है, फिल्म देखते देखते अब बहुत हो गया, अब तो नींद आ रही है और अब तो कुछ ही नहीं है, तो ठीक है चलो वो जाएगा, वो तो बाध्य होता है, लेकिन अगर सब कुछ हो तो वो करता चला जाएगा करता चला जाएगा। इसलिए इंद्रियों के विषयों को भोगने से उनको वितृष्ण नहीं किया जा सकता, और वितृष्ण नहीं किया जा सकता तो पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अतृप्ति बनी रहेगी, और जो अतृप्ति है अनुपशांति है ये दुख का कारण बनी रहेगी। एक सामान्यतः लोगों में कहते हैं ना कि गरीब कौन है, गरीब कौन है, जिसके पास कम कपड़े हो, जिसके पास कम पैसा हो, छोटा घर हो, वो गरीब है, ऐसे ही हम सोचते हैं सामान्यतः। तो
लेकिन गरीब का एक लक्षण यह है कि गरीब है, कमी है, तो वो और पाना चाहता है। गरीब का एक लक्षण हुआ ना, जो बहुत पाना चाहता है वो गरीब है, क्योंकि उसको कमी लग रही है अपने पास में। तो कौन अधिक पाना चाहता है, गरीब, जिसको हम गरीब कहते हैं निर्धन, कम पैसे वाला या अधिक पैसे वाला? अधिक पैसे वाला और ज्यादा चाहना चाहता है, उस पाना चाहता है उसको, तो करोड़ों अरबों खरबों चाहिए उसको। तो कौन अधिक गरीब हुआ, जिसके पास, जो अपने पास ज्यादा कमी अनुभव कर रहा है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वही तो गरीब हुआ ना। मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र, सतु भवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, इसकी तृष्णा बहुत बड़ी होती है वो गरीब होता है, दरिद्र होता है। तो ये जो विषयों की तरफ जा रहा है व्यक्ति, यहां भी बिल्कुल ऐसा कैसे ही घटता है, इतना सारा भोग भोगते हुए भी अंदर अतृप्ति का भाव बना रहता है, अभी ये नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ। जिनको घूमने का शौक लग जाता है तो वो अभी इस देश में नहीं गया, अभी उस देश में नहीं गया, ये चीज नहीं देखी। खाने पीने का शौक हो तो अभी उस देश के खान पान को नहीं खाया है मैंने, ये नहीं खाया है, अभी वो भी करना है, उस होटल का भी खाना है, इस 5 स्टार होटल का, वो समाप्ति नहीं होता है उनका। तो विषयों की भोग से उनके प्रति तृष्णा और बढ़ती जाती है, और यही दुख का कारण है। इसको योगी को, विवेकी को ये दुख दिखाई दे रहा है, ये करते करते होना क्या है, मैं तो सुख चाहता था, सुख तो सभी चाहते हैं, और सुख किस में है, इंद्रियों की उपशांति में है, इंद्रियां तृप्त होंगी, शांत होंगी तो सुख होगा। और ये जो भोगों को, विषयों को भोगने का, विषयों को, सुखों को लेने का रास्ता है, इसमें तो इंद्रियां तृप्त हो ही नहीं रही है, और ना उसको आगे कोई संभावना दिखाई दे रही है, ये तो कामनाओं का अथाह सागर भरा पड़ा है, बढ़ती जाएंगी, कोई सीमा नहीं है, कोई और छोर नहीं है, ये तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, कहीं कोई शांति ही नहीं नजर आ रही है यहां तो। बोले ये रास्ता, ये अनुपाय है, इसलिए कहा तस्माद अनुपाय सुखस्य भोगाभ्यास इति। भोगों का अभ्यास सुख का उपाय ही नहीं है, तस्माद अनुपाय, ये उपाय नहीं है। जबकि सामान्यतः क्या उपाय है, सुख का उपाय क्या समझा जाता है, भोगाभ्यास, भोगों को भोगना, इस विषय को भोगना, उसको भोगना, अभ्यास मतलब बार बार भोगना, और इसी में ही सुख समझते हैं। एक सामान्य तो व्यक्ति यही समझेगा ना, उसको कहें कि इन विषय भोगों में दुख है तो दुख थोड़ा ना लगेगा उसको, उसको तो सुखी दिखाई देता है, सुखी अनुभव में आता है, तभी तो पीछे पड़ा हुआ है वो उसके। तो इस दृष्टि से जो ये इन्होंने कथन किया, इस दृष्टि से कहा तस्माद अनुपाय सुख से भोगाभ्यास, भोगों का अभ्यास करना कितना भी कर लो वो सुख का उपाय नहीं है। जो सुख हमें चाहिए वो सुख का, तृप्ति का ये उपाय नहीं है, ये तो अनुपाय है। और इसकी क्या स्थिति है, तो उसके लिए बोल रहे हैं क्यों व्यक्ति विषय सुख की तरफ चला जाता है, तो उसमें कोई बच करके इधर भी आना चाहता है तो एक बाधा होती है, वो क्या बाधा है उसको बता रहे हैं। सखलु अयम वृश्चिक विष भीतः इव आशी विषय न दष्टा, ये व्यक्ति क्या, इसकी हालत क्या होती है कि बिच्छू के विष से डरा हुआ, बिच्छू के विष से डरा हुआ और सांप के विष से वो युक्त तो हो जाता है, सांप उसको डस लेता है। तो दोनों तरफ दुख दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ बिच्छू का विष है, एक तरफ सांप का विष है। अब बिच्छू के विष से बचने के लिए वो इधर जाता है, और इधर जाता है तो वहां सांप बैठा था और सांप से डसा जाता है। एक समझाने के लिए, एक जो कहते हैं इधर कुआं और उधर खाई, तो खाई से बचने के लिए इधर हुआ था तो कुएं में जाके गिर गया, बचना तो खाई से चाह रहा था, और बच करके हुआ क्या, और गहरे गड्ढे में चला गया और कुएं में चला गया। बचना तो बिच्छू के विष से चाह रहा था, उससे तो पीड़ा ही होती है, और सर्प के विष से तो मृत्यु ही हो जाएगी। तो ये बिच्छू का विष क्या है कि जब विषय सेवन की इच्छा होती है, और जब व्यक्ति उसको रोकना चाहता है, उसको पता लगा, कुछ जानकारी हुई कि विषय सुख का अभ्यास तो दुख दुख देगा, तो उस तरफ नहीं जाएगा, रुकेगा। अब ये जो रोकता है उस समय पिछले संस्कार हैं, अब बड़ा कष्ट होता है उसको, किसी वस्तु की, विषय की, सुख की इच्छा कर जाए
और वो वस्तु मिल नहीं रही हो, वो विषय मिल नहीं रहा हो, उसका वो भोग नहीं कर पा रहा हो, तो अंदर कैसी तड़प होती है, पीड़ा होती है। किसने सोच भी लिया कि मैं संयम रखूंगा, ये भोग नहीं भोगूंगा, लेकिन जब तीव्र इच्छा होती है तो अब उसको कष्ट होने लग रहा है। ये कष्ट तो है बिच्छू का विष, अब ये कष्ट उसको सहन नहीं हो रहा है, कष्ट तो होगा, वो पिछला संस्कार वेग बड़ा कष्ट देगा, रोकना उसको मुश्किल होता है और रोकने में बड़ा कष्ट होगा, और जब ये रोकेगा तो कष्ट होगा, और उस इस कष्ट से बचने के लिए, इस कष्ट से बचने के लिए चलो विषय को भोग लेते हैं, बहुत आसान होता है ना। मान लो 1,00,000-1,00,000 रुपए की रिश्वत दिखाई दे रही हो, वो कह के नहीं मेरे को तो रिश्वत नहीं लेनी है, उधर वो आकर्षित कर रहा है 1,00,000-1,00,000 रुपया, उससे होने वाला सुख उसे अंदर दिखाई दे रहा है, पिछला संस्कार कह रहा है कि देखो रुपया आ गए तो क्या क्या कर सकता हूं मैं, वो तो अपने को रोकना बड़ा कष्टप्रद लग रहा है, कठिन है, तो सरल क्या है, ठीक है ले लो खत्म करो बात को, नहीं तो परेशान करता रहेगा, परेशान करता रहेगा ना, उसको भोगेंगे नहीं तो लेंगे नहीं तो परेशान करता रहेगा, वो कष्ट आता रहेगा। तो ये बिच्छू का विष था, उससे बचने के लिए उसने क्या किया, दूसरी तरफ गया, दूसरी तरफ क्या किया, उसने रिश्वत ले ली, उसने विषय का सेवन कर दिया, तो विषय सेवन में उस समय तो उसको ये लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, बड़ा सुख मिल गया, लेकिन वो सांप के द्वारा दर्शा गया नहीं, उसकी हानि हो गई उसकी अपनी, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। तो सखलु अयम वृश्चिक विष भीता इव आशी विषय ने दष्टा, कौन यह सुखार्थी, जो सुख की कामना वाला है, सुखार्थी हम सब हैं, सुख को जो चाहने वाला है, विषयानुवासित, विषय से अनुवासित, रंगा हुआ पिछले जो संस्कार है उससे, महती दुख पंके निमग्ना इति, महान दुख के पंख में, कीचड़ में धस जाता है। कई बार व्यक्ति घर परिवार के दुख से कि घर में धन नहीं है, कष्ट हो रहा है, भूखा है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, बड़ा कष्ट हो रहा है घर में, ईमानदार है, अब ये कष्ट हो रहा है उसको, थोड़ा सा ही धन है, अब दूसरे ऐसे समय में कोई दूसरा उसको कह दे कि भाई तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे को इतने रुपए मिल जाएंगे, और उसको अपराध करने के लिए ले गया साथ में, उसको भी व्यक्ति चाहिए था, इसको पैसे की जरूरत थी, बड़ा कष्ट हो रहा था, चला गया, छोटी मोटी चोरी वोरी कर ली, उसके सहयोग कर दिया, उसको रुपए दे दिए उसने, अब कितना आनंद आ गया, देखो कितना कष्ट था वो सारा मिट गया ना थोड़ी देर के लिए, अब उसको लग गया कि ये तो फिर कष्ट आएगा, फिर जाएगा, फिर उससे ये लोग कि ये व्यक्ति हमारे साथ ही जुड़ा रहे, उससे कोई ऐसा अपराध करवा देते हैं और उसका प्रमाण भी ले लेते हैं अपने पास में, अब अगर ये कुछ करेगा तो सूचना कर देंगे पुलिस को, उससे कुछ हत्याएं करवा देते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि वो गोली चला दे, मार दे किसी को, और ये गया किस लिए था इधर, वो परिवार के आर्थिक कष्ट को दूर करने के लिए, और इसमें पड़ा और ऐसा फंसा कि महापंख में उससे निकला नहीं जाया, उससे बहुत प्रयास कर रहे कुछ हो तो बच सकता है, लेकिन महादुख पंख में जैसे फंस जाता है, घर में कोई तनाव है, कार्यालय में तनाव है, और कुछ इससे बचने के लिए उसने शराब शुरू की थोड़ी सी, अब कष्ट तो होगा, तनाव है तो, या तो उसका समाधान करे, समाधान करने में परेशानी हो रही है, तो सरल उपाय क्या है, शराब पी लो, नींद की गोली खा लो, और कोई नशीली दवाई ले लो, थोड़ी देर के चिंता से मुक्त, भांग खा लो, चरस पी लो, तो ये उसको कष्ट था, उसको झेलना, जो विपरीत स्थिति है उसको झेलना, वो तो कष्ट लग रहा था, बिच्छू का विष लग रहा था, और उसने फिर ये चीजें शुरू कर दी, अब शुरू कर दी तो उस समय तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं बिच्छू के विष से बच गया हूं, लेकिन हो क्या रहा है उसका, सांप के द्वारा डसा जा रहा है, ये और अधिक हानि में जा रहा है, और अधिक दुख को प्राप्त करने के रास्ते पर चला जाता है, लेकिन उसको उस समय समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा ही विषयों के सुख के काल में हमारे साथ में होता है, ये यहां पर कहा जा रहा है, और इसी में ही पड़े रहते हैं फिर हम, महति दुख पंके निमग्न। अब ये जिसको अनुभव हो जाता है कि मैं विषय सुख में इसलिए जा रहा हूं कि विषयों की तृष्णा मेरी समाप्त हो जाए, इंद्रियां तृप्त हो जाए, लेकिन यहां जाते जाते तो और फंसता जा रहा हूं मैं, फंसता जा रहा हूं और मैं विषयों के सुख में,
तो परिणाम क्या निकला? विषयों के सुख में गया इसलिए था, विषयों के सुख की तरफ, कि मैं तृप्त हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। अब परिणाम क्या निकला? और दुख, और दुख, और परेशानियां खड़ी हो गई। परिणाम क्या निकला? विपरीत परिणाम निकला। जो परिणाम सोच करके विषय सुख में गया था वो परिणाम वहां नहीं निकला, विपरीत परिणाम आ रहा है। ऐसा परिणाम दुख था, ये है परिणाम दुख। जिस समय विषय सामने आता है उसी समय उसको लग जाता है कि इधर गया तो यह परिणाम आने वाला है। अभी नहीं दुख हो रहा है कुछ भी उसको, विषय सामने है, विषय को सेवन करेगा तो जो उसको, जो उसमें रस आएगा वो तो आएगा, उसके साथ साथ कोई दुख नहीं आ रहा है सीधे सीधे कि भाई इसके अंदर सत्व गुण है उससे सुख आ रहा है और इसमें रजोगुण है उससे दुख भी आ रहा है, क्योंकि त्रिगुणात्मक है, ये त्रिगुणात्मक है तो इसलिए हमारे को दुख भी साथ में आएगा ही। ऐसा होता तो जो दुख आता है उसके साथ साथ सुख भी आना चाहिए था, क्योंकि दुख जिससे आ रहा है वो भी त्रिगुणात्मक है तो वहां भी सत्व गुण तो है ही। तो जिन चीजों से हमें बिल्कुल दुख आता है वहां भी कुछ ना कुछ सुख आना चाहिए ना साथ में, वो तो नहीं आता। और ना ही कहीं कहा गया कि दुख के अंदर भी सुख मिश्रित है, सुख में दुख मिश्रित है। तो इसको ये प्रतिकूलता लग रही है कि इसका परिणाम बहुत गलत आने वाला है। अभी दुखी नहीं हो रहा है, अभी कोई दुख नहीं आ रहा है उसको, लेकिन अगर मैंने इसका सेवन किया तो पिछला अनुभव उसको पता है कि मैं और अधिक विषय सुख की तरफ जाऊंगा और अधिक कीचड़ में फंसूंगा, ये दुख आने वाला है। जैसे कि हमारे सामने कीचड़ हो, मैं पता है कि अगर आगे गया तो और कीचड़ में धस जाऊंगा, अभी कीचड़ में धसा नहीं है, दुखी नहीं हुआ है, मलिन नहीं हुआ है, लेकिन इसको पता लग जाता है कि मैं ऐसी स्थिति में खराब होने वाला है, ये दुख उसको अनुभव होने लगता है। वो खुद दुखी नहीं होता है। कई जने यूं कहने लगते हैं कि भाई विवेकी व्यक्ति को तो परिणाम ताप संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध ये दुख ही दुख होते रहते हैं, उनसे अच्छे तो हम सांसारिक व्यक्ति, हमारे को तो थोड़े ही दुख होते हैं, इनको योगियों को तो ये दुख और होते हैं, तो यो ऐसे योगी बनने से क्या फायदा, दुखी दुख दुखी दुख। वैसे दुख नहीं है योगियों को कि वो वास्तव में दुखी होते हैं। जैसे कि कोई छत पे खड़ा हुआ है और छत पे खड़ा होकर के वो नीचे देखे, बोले छलांग लगा दूं थोड़ी घास में कूद के देखूं, नहीं करेगा ना वो, क्यों नहीं करेगा, उसको कष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अभी कष्ट को झेल रहा है। उसको पता है कि इतनी ऊपर से कूद गया तो हड्डियां टूटेंगी, बहुत कष्ट होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, पट्टा बंधेगा, बिस्तर पे पड़ा रहूंगा, खर्चा होगा, ये सब उसको दिख रहा है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि अभी भी दुख हो रहा है उसको, अभी तो ऊपर ठीक खड़ा है वो, कोई हड्डी नहीं टूटी है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको भावी दुख दिखाई दे रहा है। तो विषय के सुख काल में जो परिणाम दुख आ रहा है वो भावी देख रहा है, ये ज्ञान के स्तर पर है, विवेकी के लिए है, योगी के लिए है, ज्ञान के स्तर पर देख रहा है कि इसका परिणाम ये निकलने वाला है। जैसे जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो नशे में नहीं जाते, उनको पता है कि नशे वालों का क्या परिणाम होता है, घर बर्बाद हो जाएगा, दिवाला निकल जाएगा, झगड़े होंगे, दुर्गति होगी, ये उसको अभी दिखाई दे रहा है, विवेकी है वो, लेकिन उन दुखों से युक्त नहीं है, बचा हुआ है। इसलिए योगी जब इन दुखों को देखता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुखी हो रहा है, अगर इस रास्ते पे गया ऐसा किया तो ये आगे दुख आने वाला है, उसको सत्य पता है विषय सुख में क्या होने वाला है, बस ऐसा करके वहीं रोक लेता है। गाड़ी चलाने वाला गड्ढा देख ले और पता है उसको कि गड्ढे में गिर गए तो क्या होगा, तो एकदम क्या करता है, एकदम ब्रेक लगा देता है और क्या करेगा, बस यही तो वैराग्य है। ऐसा यहां पर भी होता है, वो देख रहा है कि घाटी में गया तो क्या होने वाला है गाड़ी का, वो वहीं पर ही रोक देता है, लेकिन गाड़ी सलामत है, वो भी सलामत है, अभी देख रहा है वो भावी, ये परिणाम दुख है कि इधर गए तो परिणाम ये निकलेगा, बस ये परिणाम दुख है। ये विषय सुख के काल में दिखाई, जिस समय सुख आ रहा है उस समय उसको दिखाई देता है, वो विषयों से विरत हो जाता है। ऐसा परिणाम दुखता प्रतिकूला, ये प्रतिकूल दिखाई देती है उसको, कब, सुखावस्थायाम अपी, सुख के काल में भी, अभी सुख है, सारा सुख है, कोई दुख नहीं है, शरीर स्वस्थ है, सारे साधन है, परिवार अच्छा है, कोई किसी तरह का दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, साधनों की कोई कमी नहीं है, ये जो सारा सुख मिल रहा है उस समय भी इसको दुख दिखाई देता है, सुखावस्थायाम अपी। यही बात पिछले सूत्र के अंत में जो
भाष्य में कही गई थी इसकी भूमिका, बिल्कुल वही बात है। सुखावस्थायाम अपि, और योगिनाम एव क्लिष्णाति, योगी को ही क्लेश होगा, ये परिणाम दुख दूसरों को नहीं होने वाला है। और जिसको ये परिणाम दुख दिखाई दे रहा है वो योगी बनना शुरू हो गया है, जिसको ये परिणाम दुख दिखाई नहीं दे रहा है वो योगी नहीं है अभी। अगर हमें ये परिणाम दुख दिखाई दे रहा है तो योगी बनना कुछ ना कुछ, जितना अंश में हमें ये दुख दिखाई दे रहा है हम उतने योगी बने हैं, पूरा दिखाई दे रहा है तो पूरे योगी बन गए। लेकिन ये दुख योगी को ही दुख देता है, जन सामान्य को देता ही नहीं है। अब इस व्याख्या से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि जब यूं कहेंगे कि भाई विषयों का अधिक सेवन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, ये यहां नहीं कहा जा रहा है। अधिक खाएंगे तो आफरा आ जाएगा, पेट भारी होगा, ये यहां नहीं कहा जा रहा है। परिणाम में, और परिणाम भी क्या कि जिस सुख की प्राप्ति के लिए मैं इधर बढ़ा था वो सुख यहां नहीं मिलेगा, यहां तो दुखी दुख आएगा। जो तृप्ति होनी थी इंद्रियों की वो यहां नहीं होगी, इंद्रियों की अतृप्ति ही बढ़ती जाएगी, कामनाएं और बढ़ती जाएंगी, ये कष्ट उसको दिखाई दे रहा है, बस ये परिणाम दुख। सामान्य व्यक्ति को कैसे दिखाई देगा ये, आप कल्पना कीजिए, किसी सामान्य व्यक्ति को ये दिखाई देगा क्या? और जिन्होंने पढ़ लिया है उनको भी विषय सुख के काल में दिखाई नहीं देगा, शब्द तो आ जाएंगे, इतने मात्र से नहीं दिखाई देगा ये, हमने पढ़ लिया है सुन लिया है। हाँ, अगर हमें पता है कि विषय सुख से लेने से जो संस्कार पड़ते हैं, रागज कर्माशय है, द्वेषज कर्माशय है, वो मेरे इस मार्ग में कितना बाधक है, वो तो बच जाएगा। जिसको इनकी बाधा का पता नहीं है वो नहीं बचेगा, वो तो इधर ही जाता रहेगा। बोले हाँ सुना है परिणाम दुख होता है, बस वो याद कर लेगा लेकिन चलता उधर ही जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा और तुम मत फंसना, तुम मत खाना, लेकिन बैठेगा वहीं पर ही वो तोता बोलता भी रहेगा यही, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और फंसना मत तुम, उसको खाना मत, नहीं तो फंस जाओगे। वो बोलता रहेगा लेकिन करेगा वही। तो जब तक वो अनुभव नहीं होगा तब तक ये स्थिति नहीं आएगी, ये परिणाम दुख है। तो आज का पाठ इतना ही रखते, प्रणाम।